जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ऑनलाइन क्लास का हमारा तीसरी वीडियो है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग अपनी एक्सेल ऑप्शन के बारे में सीखेंगे और आप लोग देखिए किस तरीके से मैं इन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ। ये एक गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए मैं ऑनलाइन क्लासेस इन लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। ये बिल्कुल लाइव क्लासेस होती हैं, इसके अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग सेशन नहीं है। जैसे आप लोग सोचेंगे कोई रिकॉर्डिंग करके वीडियो अपलोड की गई हो, बिल्कुल लाइव क्लासेस होती हैं। देखिए मैं किस तरीके से इन लोगों को क्लासेस देता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखिए आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा एक्सेल ऑप्शन के ऊपर बेस है कि एक्सेल ऑप्शन क्या होते हैं और इन ऑप्शनों का बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ी चीज आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एक्सेल ऑप्शन का क्या बेनिफिट है? देखिए सिंपल सी बात, मैं ये जानता हूं कि जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं या कोई चीज खरीदते हैं तो उसको ना हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। चाहे उसका हम अगर हम फोन की बात ले लें, चाहे हम फोन की बात कर लें, चाहे हम बाइक ले लें या किसी भी चीज ले, तो जब हम उसको परचेज करते हैं तो हम उसको ना अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। हम भी चाहते हैं कि एक्सेल को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करें। जैसे फोन की बात करें, अगर हम फोन लेते हैं तो हमें उसका वॉलपेपर हम लोग अपने हिसाब से सेट करते हैं, उसकी रिंगटोन हम अपने हिसाब से सेट करते हैं, उसका बैकग्राउंड अपने हिसाब से सेट करते हैं। तो उसी तरीके से आप एक्सेल के भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एक्सेल ऑप्शन का स्टार्ट कर लेना है। बहुत से लोग इस टॉपिक को सबसे लास्ट में कराते हैं, बट मैं इस टॉपिक को सबसे पहले ही कराया था। क्यों? क्योंकि जब आप इस टॉपिक को स्टार्ट करो आपकी इसके बारे में ही नहीं पता है, फिर इसका बेनिफिट ही क्या है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए और फिर उसके बाद में बताऊं कि इसका ये बेनिफिट है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल ऑप्शन कहाँ से आते हैं? एक्सेल ऑप्शन लाने के लिए आपको यहाँ पर आना है फाइल के अंदर, यहाँ से मिलेगा आपको एक्सेल ऑप्शन। जैसे ही आप एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले मिलेगा पॉपुलर, और पॉपुलर में पहला टॉपिक आता है जिस टॉपिक पे लिखा है शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। ये क्या टॉपिक कहता है? ये कहता है कि जैसे आपने कोई वर्ड लिखा, मैंने यहाँ पर वर्ड डाला रोहित कुमार, मैं चाहता हूं कि जब मैं इस बटन को F2 से एक्टिवेट करके सिलेक्ट करता हूं तो ऊपर ना एक मिनी टूल बार आ जाती है। अभी नहीं आ रही है? अगर आप अपने पीसी पे करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके ऊपर एक मिनी टूल बार आ जाती है, छोटी सी टूल बार आ जाती है। जैसे इसके साइज के, इसके फॉन्ट कलर को चेंज करना, इसके साइज को बढ़ाना, ठीक है, इसको बोल्ड करना, इसको इटैलिक करना, इसके फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा करना, ये टूल बार आ जाती है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की कोई टूल बार मेरे सामने ना आए अगर मैं किसी भी वर्ड को सिलेक्शन करता हूं तब। या आप इंटरव्यू पे जाते हो, आपसे किसी ने पूछा कि आप इस डाटा को सिलेक्ट करते हो, एक मिनी टूल बार आती है, हमारे इसमें नहीं आ रही, वो टॉपिक कहाँ से एनेबल होगा? तो आपको सिंपल करना है, फाइल पे आना है, एक्सेल ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आओगे पहला टॉपिक है, इस टॉपिक से अगर आप टिक हटा दोगे और जैसे ही ओके करोगे तो पता है आपको क्या होगा? तो अब ये मिनी टूल बार नहीं आएगी। अब जैसे ही आपने इसको क्या करा, F2 करके सेल को एक्टिवेट करा और यहाँ पर वर्ड टाइप कर सिलेक्ट करा, तो अब यहाँ पर वो मिनी टूल बार नहीं आएगी। आप करना भी चाहोगे तो अभी नहीं आएगी। वो टॉपिक इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने उसमें से इस टॉपिक को डिसेबल कर दिया। कौन से टॉपिक को डिसेबल कर दिया आपने? इस टॉपिक। सेकंड टॉपिक जो हमारे पास आता है वो अनेबल लाइव प्रीव्यू होता है। जैसे प्रीव्यू क्या होता है, जैसे प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप जैसे आपको कोई कलर सिलेक्ट करना है, आपने एरिया सिलेक्ट करा, आप चाहते हो मुझे इसका कलर भी करना, आप इस कलर पे आए और आपने बोला कि मैं पहले प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, तो ये लाइव प्रीव्यू दिखाता है, उसका चेंज होते हुए इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि लाइव प्रीव्यू ना दिखाए, कि तब दिखाए जब मैं उस पर क्लिक करूं तब उसका इफेक्ट दिखाए। तो उसके लिए आपको सिंपल ही आना है, एक्सेल ऑप्शन पे जाना है और यहां से इस टॉपिक को क्लिक कर देना है, अनेबल लाइव प्रीव्यू। जैसे आप इस टॉपिक से टिक हटा देंगे
तो वो होगा क्या, ये उसका इफेक्ट अब आपको साथ साथ नहीं दिखाएगा, ये इफेक्ट तब दिखेगा जब आप उस बटन पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही उस बटन पे क्लिक करोगे देन उसके बाद उसको रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो लाइव प्रीव्यू का ये मोटिव होता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है वो टॉपिक होता है शो डेवलपर बार इन द रिबन। जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो टॉपिक का नाम है शो डेवलपर टैब इन द रिबन। पता है आपके पीसी या आपके लैपटॉप में टॉपिक आपको नहीं दिख रहा होगा जिस टॉपिक का नाम है डेवलपर। ये टॉपिक तब आएगा जब आप इस ऑप्शन पे जाके इस टॉपिक को यस कर दोगे। एक्चुअली ये डेवलपर टैब ना बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसके अंदर जितना भी काम होगा, जब आप अगर एक्सेल कंप्लीट कर लोगे, एडवांस एक्सेल पे जाओगे ना, जैसे आप डेवलपर पे आओगे विजुअल बेसिक, यहां से हम लोग कोडिंग करने के पर्पज से यूज करते हैं इसका। किस पर्पज से करते हैं? कोडिंग करने के पर्पज से यूज करते हैं इसका। दूसरा, हम यहाँ पर फॉर्म बनाने के लिए बटन यूज करते हैं इसका। हमें कोई बटन बनाने, हमने कहा सेव बटन बनाना है, ठीक है, आपने कहा सर मुझे चेक बॉक्स चाहिए, तो चेक बॉक्स बनाना हो या ऑप्शनल बटन लेना हो, ये सारे बटन आपको डेवलपर टैब में मिलते हैं। आप चाहते हो कि सर मैं कोडिंग करना चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग माइक्रो करना चाहता हूँ, कोडिंग देखना चाहता हूँ, वी की प्रॉपर्टी देखना चाहता हूँ, ये सब डेवलपर टैब से मिलेंगे। लेकिन ये डेवलपर टैब को बाय डिफॉल्ट होता नहीं, आपको लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको फाइल के अंदर एक्सेल ऑप्शन के अंदर आके इस टॉपिक को क्लिक करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट सर, ये तो बात हो गई एक्सेल 2007 में। अगर मुझे इसी डेवलपर टैब को 2016 के अंदर लेके आना है, मैं 2016 में इस टॉपिक को लाना चाहता हूँ, तो टॉप कहाँ से आएगा, कैसे मैं इसको ओपन कर सकता हूँ? अगर आप 2016 की बात करते हैं या 2013 की बात करते हैं, तो आपका पॉपुलर में ये टॉपिक नहीं आएगा, शो डेवलपर टैब इन द रिबन। वो यहाँ पर मिलेगा आपको कस्टमाइज के अंदर, और यहाँ पर वो टॉपिक आएगा शो डेवलपर टैब। अगर मेरा एक्सेल ओपन हो गया हो तो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ आया, मैंने इस पर न्यू शीट ली, फिर दोबारा मैं फाइल पे गया, एक्सेल ऑप्शन पे आया, और मैं कस्टमाइजेशन रिबन पे आया, एंड देन यहाँ से क्लिक कर दिया शो डेवलपर टैब। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आप इस टॉपिक को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मिलता है आपको डेवलपर टैब। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो टॉपिक का नाम है एक्सेल ऑप्शन में कलर स्कीम। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा ब्लू कलर है, मेरा एक्सेल सिल्वर कलर का हो जाए, जैसे ओके करूंगा मेरा पूरा एक्सेल सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरा एक्सेल ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाए, तो आप इस पे आइए और यहाँ से ब्लैक कलर कर दीजिए। जैसे ब्लैक करेंगे और ओके करेंगे, आपका एक्सेल पूरा ब्लैक कलर का हो जाएगा। हो गया, देन बस ये तीन ही कलर हैं, आप इन तीन कलर में से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पावरफुल लगे, वो टॉपिक का यूज कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक आता, नेक्स्ट टॉपिक आता है स्क्रीन टिप स्टाइल। पता है होता क्या है, जब आप लोग किसी टॉपिक के बारे में, जैसे आज आप कोर्स कर रहे हैं एक्सेल का, कंटिन्यू करते रहे, 6 महीने बाद कोर्स कंप्लीट हो गया, एक साल बाद आपको इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी, आपको आइडिया नहीं है कि किस लिए यूज करते हैं, या आपको आइडिया है बट आपको हिंट चाहिए, हिंट मिल जाए तो आप इस काम को पूरा कर दोगे, तो आप जब भी इस माउस को उसके ऊपर लेके आएंगे ना, तो इसकी एक स्क्रीन टिप्स ऑन हो जाएगी जिसपे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताया गया है। और उसके बाद उसने बोला कि अगर आपको और हेल्प चाहिए तो प्रेस F1 कर दो। क्या कर दो? प्रेस F1 कर दो, आपको मोर हेल्प मिल जाएगी इसकी। बट इस टॉपिक का प्रॉब्लम भी है कुछ। जब कोई इंटरव्यू लेता है ना एक्सेल का बेसिकली, तो वो क्या करता है ना, इस टॉपिक में से ये स्क्रीन टिप्स वाले टॉपिक को हाइड कर देता है। वो चाहता है कि जब भी कोई मेरे पास एम्प्लॉय आए या जो भी इंटरव्यू देने हैं, वो रियल नॉलेज दिखाए, वो तुक्का ना लगाए, आइडिया ना लगाए, तो वो इस टॉपिक को डिसेबल कर देते हैं स्क्रीन टिप्स वाले को। सेकंड, जब हम लोग एक्सेल में, जब हम आगे चल के एक्सेल में अगर हम चेकिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं, मतलब लाइक कि आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो और उसकी जो चेकिंग होती है वो एक्सेल पे ही होती है, जब एक्सेल पे चेकिंग होती है ना, तो जो एरर आती है उनको इस तरीके से बोल्ड कर देते हैं ताकि वो आगे मेल करके एरर को समझा सके। लेकिन प्रॉब्लम कि जब वो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ना, अगर माउस गलती से उनका यहाँ होगा तो वो टॉपिक उनको दिखेगा नहीं, तो वो उस टॉपिक को वहां से नो भी कर देते हैं। वो कहाँ से नो करते हैं? फाइल में आते हैं, एक्सेल ऑप्शन पे जाते हैं, और यहां से शो डेवलपर टैब इन रिबन एरिया, सॉरी, इसमें जाके बोलते हैं डोंट शो स्क्रीन टिप्स, इस पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करते हैं तो अब स्क्रीन टिप्स आएगी नहीं, अब चाहे वो कैसे भी करे उसकी स्क्रीन टिप्स नहीं आएगी। अगर आपको लानी है देन अगेन यही आइए,
फाइल ऑप्शन पे और यहां से कर दीजिए, ठीक है। ये कहता है कि स्किन टिप दिखे बट उसकी ना डिस्क्रिप्शन ना दिखे, तो आप इस टॉपिक पे आइए, ये दिखेगी F1 कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बट उसकी मोर हेल्प के लिए नहीं पूछेगा और नीचे जो कंडीशन लिखी होती है वो नहीं बताएगा। तो आप इन तीनों टॉपिक का यूज कर सकते हैं, ये बहुत कम होता है बट कभी आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए। एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिएट क्रिएट लिस्टेड फॉर यूज इन शॉर्ट एंड फिल सिक्वेंसली। क्या होता है टॉपिक, ध्यान दीजिए आप, आपने देखा था मैंने यहां अमित लिखा, अमित लिखा, अमित लिखा और नीचे ड्रैग कर दिया। जब मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूं ना, तो यहाँ अनु, सुमित, शिवम, राजेश, कामरान, अमित, अनु और सुमित। ये एक्चुअली में हुआ क्या, मैंने इसकी एक कंडी या एक लिस्ट बना दी कि अगर मैं अमित लिखता हूं और जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूं तो इसके साथ साथ ये नाम भी आ जाए। मैंने कस्टम लिस्ट बना दी, मैंने क्या बना दी, कस्टम लिस्ट बना दी कि जब भी मैं एक अमित लिखूं और नीचे ड्रैग करूं तो उसके नीचे सारे नाम आ जाए। बहुत सी जगह ये होता है कि जैसे सिटी होती है उनकी, तो वो क्या करते हैं दिल्ली लिख दिया, वो चाहते हैं कि जैसे मैंने दिल्ली लिखा ना और मैं नीचे ड्रैग करूं तो दिल्ली के बाद जो मेरी फेवरेट सिटी है ना वो आ जाए। तो लोग इसकी इसका यूज करने के लिए ना एक लिस्ट बना लेते हैं, कस्टमाइज लिस्ट बना लेते हैं। वो इसके अंदर आते हैं एक्सेल ऑप्शन के अंदर और यहाँ से एक लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं, कस्टम एडिट कस्टम लिस्ट पे, और लिस्ट का नाम रख देते हैं। मैंने बोला मैं सिटी लिखूं और उसके बाद ड्रैग करूं तो पहले पे दिल्ली आ जाए, सेकंड पे कोलकाता आ जाए, फिर चेन्नई, ठीक है, फिर आपका जयपुर, फिर रांची एंड देन बिहार, आगरा, ठीक है, पंजाब, लुधियाना, ठीक है, एंड देन मैंने इसको ओके कर दिया, ओके हो गया एंड देन अप्लाई। अब जब भी मुझे कहीं सिटी लिखूंगा मैं और सिटी लिख के नीचे ड्रैग करूंगा, नीचे ड्रैग करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो मेरे सारे नाम उठ के आ जाएंगे। आ गया, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, रांची, बिहार, आगरा, पंजाब। अगर मैं दिल्ली लिख के नीचे ड्रैग करूंगा तो दिल्ली के जो बाद वाला नाम है वो नीचे ड्रैग होके आ जाएगा। मैं कोलकाता लिखूंगा तो कोलकाता के बाद वाला नेम नीचे आ जाएगा। मैं अगर कोलकाता चेन्नई लिख के नीचे ड्रैग करूंगा तो चेन्नई के नीचे वाला नाम आ जाएगा। तो आप इस तरीके से कस्टम लिस्ट का यूज बना लेते हैं। आगे समझ में चालू यस सर। ललित, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है इसमें। सर सपोज करो मेरा डाटा अगर 2000 हुआ, क्या मैं एक एक करके टाइप करूंगा वहां पर? सर सपोज करो मेरे पास ये शीट है जिसमें डाटा है मेरे पास, सर ये मेरे पास नाम है, ये नाम है मेरे पास सर, इसमें मैं डुप्लीकेट आके डुप्लीकेट रिमूव कर दिए, मैंने डुप्लीकेट कर दिया, रिमूव डुप्लीकेट कर दिया सर, इसमें से 83 नाम जो डुप्लीकेट थे वो हट गए, बाकी सब यही रह गए। ये नाम हमारे हैं जो यहाँ पर फिलहाल हमारे सामने हैं। सर मैं ये चाहता हूँ कि इन नाम को मुझे उसके अंदर ऐड करना है, कस्टम लिस्ट के अंदर। मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार उन नामों को लिखूं, कि ये यहां से एक्सेल शीट से वो कस्टम लिस्ट उठा ले और इसका यूज करके मुझे दिखा दे। तो आप इसका ही यूज करके कर सकते हैं। कैसे, इस एरिया को सिलेक्ट कीजिए, एक्सेल ऑप्शन पे आइए और आपको यहां से मिलेगा ऐड कस्टम लिस्ट। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे लिखा होता है इंपोर्ट, या इस बटन पे क्लिक कीजिए, डाटा को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। जैसे ही इंपोर्ट करेंगे वो डाटा आपके इस लिस्ट में आ जाएगा, एंड देन ऐड कर लीजिए बस।
इतना करना है आपको, आपका काम हो जाएगा। बस उस नाम को टाइप कीजिए अभिलाष, एंड नीचे ड्रैग करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। नीचे ड्रैग कर दीजिए, ठीक है? आगे समझ में? नेक्स्ट। सर ये तो बात हो गई 2007 में, अगर मुझे इसी लिस्ट को 2016 में बनाना होता तो यहाँ तो वो आती नहीं है लिस्ट, आप आके चेक कर लीजिए सर। देखो यहाँ तो है ही नहीं सर वो लिस्ट, यहाँ टॉपिक ही नहीं है वो। तो वो टॉपिक मिलेगा आपको एडवांस के अंदर, और एडवांस के अंदर सबसे नीचे मिलेगा ऐड कस्टम लिस्ट, ये रहा। एंड देन जहां से यहां से आप यूज कर सकते हैं। नहीं यहां से नहीं समझ में आता तो शॉर्टिंग में आइए, शॉर्टिंग में जैसे ही क्लिक करेंगे, शॉर्टिंग पे क्लिक अभी नहीं हो सकता क्योंकि डाटा कोई नहीं है, पहले आपका डाटा होना चाहिए शॉर्टिंग के लिए, देन आप तभी कर सकते हो शॉर्टिंग। एरिया को सिलेक्ट करा, शॉर्टिंग पे आया, जैसे यहां से मिलेगा कस्टम शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट पे नहीं, इस पे क्लिक कीजिए, यहां से मिलेगा कस्टम शॉर्ट एंड देन शॉर्ट। जैसे ही क्लिक करोगे यहां पर आ गया, यहाँ पर एक नीचे मिलेगा कस्टम लिस्ट, इस पे जाके वो लिस्ट के टॉपिक को ऑन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट दोनों में एक जैसा ही है, चाहे आप 2007 की बात करें या 2016 की, बट जिस पे आप करें वो डाटा आपका सिलेक्ट होना चाहिए बस, और फिर अपनी कस्टम लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो टॉपिक एक्सेल की बाय डिफॉल्ट टॉपिक आता है। एक्सेल ऑप्शन पे आइए, देन आपको यहां से मिलेगा यूज दिस फॉन्ट। पता है कभी कभी क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि सर हमें हिंदी टाइपिंग करनी है। जैसे मैंने यहाँ गया और मैंने कहा मुझे सर हिंदी टाइप करनी है, मैं यहाँ आया और मैंने ना यहाँ पर हिंदी का फॉन्ट ले लिया, जो मेरे को हिंदी का फॉन्ट होता है मैं हिंदी का फॉन्ट ले लिया, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो फॉन्ट ना एक कॉलम पे ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बाइंडिंग टू का फॉन्ट ले लिया, नीचे आया और बाइंडिंग टू का एक फॉन्ट होता है इसके अंदर, वो अप्लीकेबल कर लिया, इस पर क्लिक करा, ओके। मैंने यहाँ पी लिखा या स्मॉल में पी लिखूंगा तो राइट में कन्वर्ट कर देता है। मैं चाहता हूँ ये सारा फॉन्ट ना सभी में एप्लीकेबल हो जाए, मैं इस शीट पे कहीं भी काम करूँ तो बाइंडिंग टू रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब मैं इससे इधर आऊंगा तो ये एरियल हो जाएगा, ये इससे इधर आऊंगा तो एरियल हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है कि मैं गया था एक एमसीडी डिपार्टमेंट के अंदर, वो लोग ना सारा काम हिंदी से करते थे, मैक्सिमम उनका 90% काम हिंदी से होता था। उन्होंने कहा सर मुझे आप ये बताइए कि हमें हिंदी लिखनी होती है ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, बाहर ऊपर जाते हैं हिंदी का फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं एंड फिर अगर अगेन हम कोई वर्ड टाइप करते हैं। मैं चाहता हूं कि सर हिंदी का फॉन्ट ना बाय डिफॉल्ट हो जाए इसके अंदर, जब मुझे कहीं इंग्लिश यूज करनी हो ना तो मैं उस पर जाके इंग्लिश का फॉन्ट कर लूँ, बट ये बाय डिफॉल्ट हिंदी हो जाए। तो मैंने उनको सिंपल कहा कि आप एक्सेल ऑप्शन के अंदर आइए और यहां से फॉन्ट साइज बता दीजिए जो रखना है, जो भी रखना चाहते हो आप वो फॉन्ट साइज रखिए, ओके कीजिए एंड ओके। एंड नेक्स्ट टाइम ये एप्लीकेबल होगा तब जब आप इसको रीस्टार्ट करेंगे, आप इसको बंद करके ऑन करेंगे तो आपका जो फॉन्ट साइज होगा ना वो आपका फॉन्ट साइज हो जाएगा। आ गया, कोई शीट ओपन नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ और फिर एक्सेल 2007 को दोबारा से ओपन करता हूँ। मैं आया, एक्सेल लिखा, ओपन करा, आ गया, ध्यान दीजिए ऊपर यहाँ आ गया, देखिए आपके चेंज हो गए सब कुछ। तो आप इस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। समझ में आया क्या यूज है इसका? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है फॉन्ट साइज। पता है जब भी आप कोई नई शीट ओपन करते हैं तो उसका एक फॉन्ट साइज फिक्स होता है, वो 10 ही होता है। आप चाहते हो कि उसका फॉन्ट साइज हमेशा 8 रहे या 12 हो जाए, तो आप 12 पे जाइए और क्लिक कर दीजिए। क्लिक हो गया, इफेक्ट कब देखने को मिलेगा, या तो नई शीट ओपन कर लीजिए कंट्रोल एस से, जैसे ही कंट्रोल एन करेंगे नई शीट को क्विट करना पड़ेगा, क्विट हो गया। देन अगेन एक्सेल टाइप कीजिए, इंटर मारिए, जैसे आप इस पे इंटर मारेंगे देखिए आपके फोन का साइज 12 हो गया ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देन एक्सेल ऑप्शन में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डिफॉल्ट व्यू
फॉर न्यू शीट। पता है आपको कि ये हमेशा जब भी आप कोई शीट निकालते हैं तो एक्सेल ना इस वाले टॉपिक पे क्लिक होता है, कौन सा, व्यू ये नॉर्मल। आप चाहते हो कि मेरी हमेशा शीट पेज ब्रेक मोड पे ही ओपन हो, तो आप यहाँ आइए और बोल दीजिए कि जो भी मेरी शीट है वो हमेशा मुझे पेज ब्रेक मोड पे ही दिखे। ओके कर दीजिए एंड देन इसको काट दीजिए, देन दोबारा एक्सेल ओपन कीजिए, तो आपकी शीट हमेशा आपको पेज ब्रेक मोड पे ही ओपन होके दिखेगी। ये लेआउट पे कर दिया मैंने, जबकि मुझे सेकंड पे करना चाहिए था, पेज ब्रेक मोड पे, पेज लेआउट पे करना चाहिए था। तो आप इस तरीके से इसको फिक्स भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एक बार में आप कितनी शीट को ओपन करना चाहते हैं, इंक्लूड दिस मेनी शीट। पता है आपको, आप सभी जानते हैं कि एक बार एक्सेल में आप एक बार में 3 शीट ही ओपन करते हैं। जब भी आपका एक्सेल ओपन होता है ना बाय डिफॉल्ट, तो उसमें 3 शीट ही ओपन होती है। आप चाहते हो सर मैं जब एक्सेल को ऑन करूं तो उसमें 7 शीट ओपन हो, आपने यहाँ 7 लिखा और ओके कर दिया। ओके हो गया, हो गया ओके। मैंने एक्सेल बंद करा एंड अगेन एक्सेल को ओपन करा, इंटर मारा, तो देखिए नीचे ध्यान दीजिए, अब एक बार में जो शीट ओपन होंगी वो 7 शीट ओपन होंगी एक बार में। कितनी शीट ओपन हो रही है? 7 शीट ओपन हो रही है। कितनी शीट ओपन हो रही है आपकी? 7 शीट एक बार में ओपन हो रही है। तो आप इस तरीके से अपनी शीट को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उसको ज्यादा कीजिए, और अगर रिक्वायरमेंट कम है तो आप इसको कम कीजिए। ठीक है ललित जी, कोई क्वेश्चन है शालू आपका? नो सर। आगे समझ में? एंड जी देन सर। हाँ जी सर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यूजर नेम। यहाँ शताब्दी गिवन है, मैं यहाँ पर एक ही एसएस करके सेव कर देता हूँ। और इसको सेव कर दिया, हो गया। पता है यूजर नेम क्या होता है और इसका बेनिफिट क्या है? सपोज करो आपने एक शीट बनाई है, एक्सेल की एक ऐसी शीट बनाई है जो बहुत डायनेमिक है और उसमें आपको काफी टाइम लगा, लेकिन जो भी आपने शीट प्रिपेयर करी ना, वो शीट आपने अपने मैनेजर को दे दी और मैनेजर ने इस शीट को आगे प्रेजेंट करा और उन्होंने बोला कि इस शीट को मैंने बनाया है। अब आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि ये शीट आपकी और आपने ही बनाई है? आप कहीं लिख भी नहीं सकते कि इस शीट का नाम, कि ये शीट मैंने क्रिएट करी है। मैं चाहता हूं कि इस तरीके की चीज मैं कर दूं कि सामने वाले को पता भी नहीं चले, और अगर मैं कोई मुझसे पूछे तो मैं बता दूं ये मेरी शीट है, तो क्या करें? पता है जब भी आप कोई शीट फाइल सेव करते ना, तो उसके साथ साथ उसका ऑथर नेम सेव होता है। ऑथर नेम यहाँ पर एडमिन है, मतलब ये फाइल मैंने उस जगह बनाई है जहां उस सिस्टम का नाम एडमिन था। जैसे यहां देखो इस सिस्टम का नाम ए के एस एस है, एक एस एस यूजर नेम रख दिया। अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूं, सेव पे आता हूं और डेस्कटॉप की लोकेशन देके इस फाइल को सेव करता हूं बुक वन के नाम से, सेव हो गई। अब जो इसका ऑथर नेम होगा ना, वो ऑथर नेम शादाब है, क्योंकि फाइल जब खुली हुई थी शादाब नाम से था। अब प्रॉब्लम ये है, या बेनिफिट इसका ये है कि सामने वाले को नहीं पता, सामने वाला सोचेगा कि ये फाइल मैंने बनाई, लेकिन जब ये फाइल फर्स्ट टाइम सेव होती है तो उसका ऑथर नेम यहाँ आ जाता है। अगर मैं इस फाइल को अगेन कंट्रोल एस कर दूं तो क्या इस फाइल का नाम चेंज होगा? नहीं, इस फाइल का नेम चेंज नहीं होगा, ऑथर नेम एक जैसा ही रहेगा इसका। तो इसका यूज करके आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा ये पीसी किस फाइल से जनरेट हुई है, वो तो कहेगा फाइल मैंने बनाई है, लेकिन आप कहोगे कि ऑथर नेम मेरा है। और ये ऑथर नेम तब आता है जब फाइल को आप किसी पीसी से वन टाइम सेव कर देते हो, और ये ऑथर नेम फिर चेंज नहीं होता, चाहे आप कहीं से भी इसको करें यूज। आपको ऑथर नेम चेंज करना है तो फिर फाइल को सेव एज करना पड़ेगा, एक नए नाम से सेव करनी पड़ेगी, उस समय जो आपके पीसी का नाम होगा वही ऑथर नेम बन जाएगा। अब आता है ये टॉपिक, हमारा ऑथर नेम से बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, मैं इसके अंदर कुछ कमेंट डालना चाहता हूँ। मैं प्रॉपर्टीज पे आया और मैंने इसकी कहाँ पर गया, मैं डिटेल पे आ गया और मैं इसका टाइटल डाल देता हूँ। पता है टाइटल्स क्या होते हैं? टाइटल जानते हैं आप लोग क्या होते हैं? नो सर।
टाइटल जब आप यूट्यूब पे या गूगल पे कोई सी टाइटल मतलब नाम देना, जैसे एडवांस कोर्स ट्रेनिंग क्लासेस जो भी आप टाइटल देना चाहते हो वो दे सकते हो ना यहाँ से। पहले मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ एंड अगेन इस पे राइट क्लिक करता हूँ और इसके प्रॉपर्टीज पे आता हूँ, डिटेल पे आया, कहता टाइटल क्या देना है, जो भी टाइटल देना चाहते हो वो दे दो। जैसे मैंने बोल दिया एडवांस कोर्स क्लासेस और सेव कर दिया। सब्जेक्ट आप जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं और टैग कि इस फाइल को आप किस किस नाम से ढूंढ सकते हो। मैंने बोला इस फाइल को मैं एक्सेल के नाम से ढूंढ सकता हूँ, इस फाइल को वीवीए के नाम से ढूंढ सकता हूँ, इस नाम को मैं नॉर्मल एक्सेल के नाम से ढूंढ सकता हूँ, मैंने इस फाइल को ललित के नाम से ढूंढ सकता हूँ, मैं इस फाइल को यूट्यूब के नाम से ढूंढ सकता हूँ। अब देखिए ये टैग क्या होता है, टैग का बेनिफिट, जब आप यूट्यूब पे जाते हैं गूगल पे जाते हैं आप लिखते हैं कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या एक्सेल, तो एक्सेल से रिलेटेड जितनी सारी टॉपिक होते हैं वो सब आ जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे एक बस किसी ने एक्सेल, आपने एक्सेल लिखा, एक्सेल का गाना स्टार आ गई लिस्ट पे बन के नीचे, आपने लिखा एक्सेल, पता है वो टैग में ना फिक्स कर देते हैं कि अगर कोई यूजर इनमें से कोई वर्ड यूज करे तो मेरी वीडियो पहले दिखाओ। जैसे आप यूट्यूब पे जाओगे जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैंने नीचे टैग्स फिक्स कर रखे हैं, कोई एक्सेल लिखे, बीजी लिखे, टैली लिखे तो मेरी वेबसाइट, मेरा जो चैनल है वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे टैग्स को फिक्स कर दिए। तो आप इस तरीके से टैग भी फिक्स कर सकते हो। अब इसका बेनिफिट क्या है, मेरी फाइल का नाम बुक है लेकिन मैं इस फाइल को यूट्यूब के नाम से सर्च करना चाहता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे आया और मैंने कहा कि मुझे फाइल सर्च करनी है, लेकिन वो फाइल सर्च करनी है जिसका टैग यूट्यूब हो। मैं आया और मैंने यूट्यूब लिखा, देखो तो जैसे ही मैंने यूट्यूब लिखा सबसे पहले मेरे पास एक फाइल आ गई जिसका नाम है बुक वन। मैं एंटर मारूंगा तो मुझे टैग में उस फाइल को एक्टिवेट कर देगा कि बुक वन आपकी क्या है, यूट्यूब लिखा हुआ है। आपने कहा सर मुझे ना ऑनलाइन वाली चाहिए वीवीए, तो जैसे क्लिक करा वीवीए नाम से बुक आ गई। इसका बुक नाम नहीं है, वीवीए नाम नहीं है बुक, बट इसका जो सॉरी इसका बुक नेम तो बुक, फाइल का नेम तो बुक वन है, बट इसके टैग में ना आपने वीवीए कर दिया है। वीवीए इसलिए करने का बेनिफिट हुआ कि अगर आपको सर्चिंग करनी होगी तो आप इस तरीके से फाइल को सर्च कर सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके से फाइलों को सर्च करना हो तो आप इसका यूज करके इन फाइलों को सर्च कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये रहता है कि कभी आपसे कोई चीजें पूछे तो आप उसको फटाफट बता सको कि सर इस फाइल को मैंने इस नाम सेव करा था, तो ये इसका यूज है। और साथ साथ इसका प्लस पॉइंट भी क्या है, जो भी आप टैग करोगे ना वो इसके यहाँ पर सेव होते जाते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए शदाब ऑथर है, टाइटल ये, सब्जेक्ट ये और साइज ये, तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आया ललित? हेलो जी, इसका यूज क्या है? हेलो मतलब इसका यूज ना सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, इसके लिए इसका जो यूज है ना वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। इसका जो यूज है वो किस पर्पस के लिए? सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है ना। तो बस अपने डाटा को या अपनी फाइल को सही से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उस जगह आप इसका यूज कर सकते हैं, और साथ साथ आप इसकी टैगिंग भी कर सकते हैं कि फाइल को किसी दूसरे नाम से सर्च करना है देन आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस समझ में आ गया आपको टॉपिक, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। इसलिए हम लोग करते हैं ताकि इसको ना फाइल को सिक्योरिटी पर्पस पे रख सकें, कोई ज्यादा या दूसरे लोग इसको बोले ना कि ये फाइल मैंने बनाई है। आप चाहते हो कि अगर कोई इस फाइल को ओपन करे ना उस फाइल में एडिटिंग ना कर पाए बिना मेरी परमिशन के, तो राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाओ और इसको रीड ओनली मोड पे करवा दो। जब भी वो इस फाइल को ओपन करेगा तो रीड ओनली मोड पे ओपन होगी और सामने वाले को पता ही चलेगा कि ये रीड ओनली मोड हटेगा कैसे। देखो टॉप पे लिख के भी आ रहा है रीड ओनली मोड, क्या रहा है आपका? रीड ओनली मोड आ रहा है। तो आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक था वो बेसिकली हमारा इस टॉपिक का पॉपुलर का यूज था, देन फार्मूलाज, प्रूफिंग, सेव, एडवांस, कस्टमाइज, एडिंस, ट्रस्ट सेंटर और रिसोर्स। हम इसको ना नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। इस क्लास में हमने एक्सेल ऑप्शन का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है कि पॉपुलर क्या होता है।